तो गाइस स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ देखिए खेत है, पूरा जंगल हो रखा है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ खेत की साफ़ सफाई कर देता हूँ, और साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे कुछ मैं विंटर्स की सब्जियाँ लगा दूंगा, ताकि यहाँ पर सारा मतलब यहाँ देखिए साफ़ सफाई करने से यहाँ पर साफ़ भी हो जाएगा और सब्जियाँ भी लग जाएंगी सारी, तो हमारे खाने के लिए भी हो जाएगा कुछ। तो चलिए दोस्तों इसकी साफ़ सफाई करते हैं और मैं आपको साफ़ सफाई करके पूरा दिखाता हूँ कैसा है पूरा ये। और चलिए गाइस शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो गाइस पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यहाँ सांप तो नहीं है, फिर ही आगे बढ़ूंगा क्योंकि यहाँ सांप बहुत होते हैं। तो गाइस चलिए यहाँ की साफ सफाई शुरू करते हैं। तो गाइस देखो मैंने इतना यहाँ का साफ कर दिया, आगे का भी और इतना अभी और करेंगे। फिलहाल हमारी चाय बन गई है, तो हम जाते हैं और चाय पीते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है मेरी चाय देखो, और मैं इसको पीऊंगा और फिर इसके बाद मिलता हूँ आपको थोड़ी देर। गाइस अब जो झाड़ियाँ हमारी कटी हुई है देखो, ये जो मैंने इकट्ठा करके जो भी काटी थी मैंने, इन सभी को लगा देते हैं यहाँ साइड में, ताकि यहाँ से जानवर वगैरह ना आए अंदर। और अगर लगा देंगे यहाँ पे तो जानवर वगैरह नहीं आते, क्योंकि यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पे मैंने बाउंड्री वगैरह किसी चीज़ से नहीं कर रखी है, तो झाड़ियाँ ही हैं जो उन्हें रोक सकती हैं आने से। तो जानवरों के लिए हम ये सारे कांटे वाले हैं सारे, ये तो झाड़ियाँ सारी यहीं पर बिछाते हैं हम, ताकि यहाँ पर जानवर वगैरह ना आए। गाइस फिलहाल मैंने यहाँ की सारी साफ़ सफाई कर दी है, और यहाँ पे मतलब जितना भी था मैंने कोड़ना था यहाँ पे मिट्टी मुट्टी सारी मतलब साफ़ सफाई कर दी है। और यहाँ पे बस अब पानी यहाँ पे डालना है, ताकि थोड़ा गीला हो जाए, और गीला होने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी मिट्टी कोड़ेंगे और इसकी, और उसके बाद यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाएंगे। तो हम सुबह हमने 10 बजे साफ़ सफाई करनी शुरू की थी, अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, तो फिलहाल अभी और भी काम बाकी हैं, तो हम धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं, और इसके बाद हम सब्जियाँ ही लगाएंगे यहाँ पे पानी से गीला करके इसको थोड़ा बहुत। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ हम देखिए खेत में पानी डाल रहे हैं, और सारा इसको गीला करेंगे खेत को पहले, ताकि हम इसकी मिट्टी को बराबर कर सकें। तो गाइस देखिए मतलब अच्छे से गीली हो चुकी है, और अब इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे हम, ताकि पानी इसका थोड़ा सूख जाए और मिट्टी जो है उसमें नमी आ जाए। और उसके बाद फिर हम ये घास वगैरह है जितने भी इसमें दिखाई दे रहे हैं उसको हटाएंगे, साफ़ करेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर मिट्टी को बराबर करके और यहाँ पर सब्जियाँ लगाना शुरू करेंगे। तो गाइस आज देखिए हम ये मिट्टी को खोद रहे हैं यहाँ पे, और इसको लेवल में कर देंगे, और जितने भी घास हैं यहाँ से वो सारे हटाकर यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई कर देंगे, उसके बाद हम सब्जियाँ लगाएंगे। ये यहाँ इतना मैंने कर दिया है, और इसी किसी में सारा जितना भी पत्थर पुत्थर इसके अंदर देखिए बजरियाँ हैं और ये सब है, तो इन सभी को साफ़ कर देंगे, ताकि यहाँ पर सब्जियाँ हम उगा सकें। और भाई क्या हाल तेरे, एक क्यारी तैयार हो चुकी है, यहाँ का मैंने सारा साफ कर दिया है, जो भी घास वगैरह थे थोड़े बहुत इसमें पत्थर हैं, बस उसको साफ करना है, और यहाँ पे सब्जियाँ लगाने के लिए तैयार है। अभी इसको भी कर लेंगे साथ ही, और फिर यहाँ पे थोड़ी सब्जियाँ लगा देंगे, फिर बाकी का साफ करेंगे। निशान लगा देते हैं जितना भी हमको चाहिए, निशान लग जाएगा तो यहाँ पे करना बीज का बराबर कर देंगे फिर। का थोड़ा बना लेते हैं, ताकि यहाँ पे निशान लग जाए हमारा, मिट्टी से ऊंचा कर लेते हैं साइड साइड में। ये हमारा निशान था, यहाँ पे सारी मिट्टी मैं लगा दूंगा, ताकि निशान रहे यहाँ का, ये वाली क्यारी का। थोड़े बहुत पत्थर जो भी हैं यहाँ से घास को साथ साथ करते चलेंगे। देखिए अगर ये नहीं निकालोगे गाइस तो यहाँ पे यही जम जाएगा बाद में, और ये सब्जियाँ नहीं उगने देगा आपकी, साथ के साथ इनको भी निकालते चले। ये देखो छोटे छोटे पत्ते यहाँ पे हैं काफी ज्यादा,
निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल हमारा कैर ये रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे काम रह गया है। तो गाइस ये देखिए मैं बीज ले आया हूँ, ये है, ये मूली का बीज है और ये नीचे वाला सरसों का बीज है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, पहले मैं मूली डाल देता हूँ। देखिए आप कभी भी ऐसे डालें तो एक हाथ का फर्क रखें ऐसे, और उस हिसाब से डालें ताकि उगने के लिए जगह मिल जाए। तो मैं फिलहाल डाल देता हूँ। तो गाइस देखिए इसमें भी डाल देते हैं, यहाँ जैसे ऐसे थोड़ा सा खड्डा कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसमें भी मूली डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, दो दो, एक एक दो दो दाने डालें। और देखिए जैसे मैं डाल रहा हूँ, और ये देखिए एक एक हाथ के फर्क पे मैंने डाल दिए हैं ताकि उग जाए। एक आधा और बीच में डाल देता हूँ, ये और ये, चलिए तो ये हो गया। इसको ऐसे मिला दें ताकि नीचे से बीज निकले इसके, ठीक है। चलो तो गाइस मैंने सारे बीज डाल दिए यहाँ पे, इसको ऐसे ऐसे मिला देता हूँ सारा अपना मिक्स हो जाए। और उस वाले में मैं अब सरसों लगाऊंगा, इसमें सारी मूलियाँ रहेंगी, उसमें सरसों रहेंगे हमारे। तो चलिए उस वाले की तरफ चलते हैं अब। तो गाइस अभी इस वाले में सरसों डाल देते हैं, और इस वाले में सरसों उगाएंगे, उस वाले में मूली हमारे। ज़्यादा डाल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालते जाए, ऐसे डाल जैसे मैंने डाले। इसमें हो गया हमारा मामला, दे अब इतनी दूरी इधर कड़ी इधर बराबर कुछ भी इधर बीच में देव। तो गाइस जब हम इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा गीला कर देते हैं, क्योंकि हमने सारी सब्जियां जो भी बीज लगाए हमने लगा दिए मूली सरसों के, गीला करते हैं इसको पूरा। ये देखिए गाइस बाल्टी, अच्छे से पानी दे देते हैं ताकि। तो गाइस फिलहाल हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे जो बीज थे लगाए थे लगा दिए और पानी भी डाल दिया हमने। और बाकी यहाँ का देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको भी बाद में सफाई कर देंगे इसकी भी, और यहाँ भी लगा देंगे। और एक और काम रह गया हमारा यहाँ पे गेट का, यहाँ जानवर वगैरह घुस के हमारे सारे फसल ख़राब कर सकते हैं, तो यहाँ पे गेट भी बनाएंगे। तो गाइस जो देखा काम तो ख़त्म हो चुका है, और फिर इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में न्यू एडवेंचर के साथ। तो कुछ नया सीख करेंगे और अगले ब्लॉग में, तो चलिए मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।